हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये है कल का दिन, मतलब दिन नहीं, डिनर का टाइम था और दीदी बना रही थी हम लोग के लिए साग। मैंने तो दीदी से बहुत बोला कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे बहन और दामाद आए हैं तो मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। जो भी उनको पसंद है मैं जरूर खिलाऊंगी, चाहे वो बकरा ही क्यों ना हो। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, बहुत सारे वेजिटेरियन ऑफेंड हो गए होंगे, आई एम सॉरी। और ये दो तरीके के आटे जो आप देख रहे हो, उसमें से एक है मक्के का और एक है मिक्स। जैसा कि आपको पता है कि साग के साथ इसी तरीके की रोटी अच्छी लगती है, एक्सपेरिमेंट की हुई, मतलब कि मोटी वाली देसी रोटी। साग को दीदी ने बहुत सारे बटर में फ्राई किया, जबकि वो मुझे कहती रहती है कि ज्यादा तेल की खाना नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे हरी सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाई जाएगी चटपटे अंदाज से तो मैं खाऊंगी और क्या। और मैंने रात को इतना खाया कि सुबह मैं उठ ना पाई। मजाक कर रही हूं, मैं उठी थी और फिर मैंने अंडा भुर्जी बनाई और चाय बनाई जो कि हस्बैंड को बहुत पसंद आया। आने का टाइम आ गया और पता चला कि गाड़ी का एक टायर पंचर है जिसे बुरी तरह बनवाना होगा। जीजा जी मुझे बाय करने आ गए। बड़ी मन्नतों बाद टायर बना और हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर। हस्बैंड को ग्वालियर में कुछ काम है नेक्स्ट डे, इसलिए पहले हम लोग वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने देखा कि एक आदमी यहाँ पे ताला लगा रहा है, जबकि कोई जरूरत तो लग नहीं रही। लेकिन आदमी की ईमानदारी तो देखो, ताला लगाना जरूरी है। और मैंने पाया कि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंच गए ग्वालियर अपने होटल में, हमने अपना रूम बुक किया था। वैसे तो ये होटल मुझे ठीक ही ठीक लगा, कोई बहुत खास नहीं लगा, क्योंकि होटल के नाम से मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ, इन्वेस्टिगेट करती हूँ उसके बाद ही। बट भी परेशान हो गए, अरे जल्दी चलो मुझे भी सोना है, कुछ काम है। 26 जनवरी की डेकोरेशन अभी हटाई नहीं लगता है और यहाँ पे चार चार शादियां हो रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। रूम की चाबी मिल गई थी तो हम लोग देखने आ गए कि भाई पहले मैं चेक करूंगी उसके बाद ही। और जैसे मैंने कमरे का मुआयना किया, मुझे बड़ी ही निराशा हुई क्योंकि मेरे हिसाब का था। पूरा कमरा चेक किया तो मुझे गंदगी मिल गई और इसी की फिराक में रहती हूँ कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी मिली तो मैं कमरा ही चेंज करा देती हूँ, और वही हुआ। और ऐसा नहीं है कि तुरंत कमरा चेंज ही करवा दिया, पहले यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉ मिले मुझे और मैंने उसको ठीक कराने की कोशिश करी, लेकिन एक के बाद एक कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। और सबसे ज्यादा पिलो गंदा था, जिसकी वजह से कमरा ही चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो कि दूसरा वाला जो है वो स्वीट है और वो हम लोग को अलॉट हुआ था, जबकि वो उसने हमें अपने स्वीट में भेजा नहीं, वो हमें किसी और ही रूम में सेटल कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हमें मिल गया अपना रूम और वो इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। वॉशरूम देख के भी दिल खुश हो गया क्योंकि वहाँ पे बाथटब है। वैसे तो मैं इसका इतना यूज करती नहीं हूँ, जब भी बाथटब मिलता है मैं ऐसे ही शावर में नहा लेती हूँ। उनको भूख लग गई तो उन्होंने बोला तुम अपना व्लॉग व्लॉग छोड़ो और प्लीज खाना खा लो। मैंने कहा ऐसे कैसे, खाना खाने से पहले तो मैं अपने व्लॉग को देखूंगी। और खाना हम लोग घर से लेके आए थे, मम्मी जी ने पैक करके दिया था, बढ़िया बढ़िया बिरयानी, अचार, पराठे, सब्जी, सारा खाना खा ही रहे थे। और कुछ कुछ ऑर्डर भी कर लिया, जैसे कि रायता, क्योंकि बहुत ही यम्मी होता है, मुझे होटल का रायता बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंच फ्राइज भी अच्छे थे, लेकिन इतने ज्यादा हो गए कि मैं खा ही नहीं पा रही थी। बहुत सारा खा लेने के बाद हम लोग थक गए और आराम करने चले गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।